चलो भाई, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने चार सम सॉल्व किए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया था लास्ट जो भी सेशंस में हुआ है। अब अपने को एक ग्रिप आ गया है अच्छा खासा, नैव के ऊपर अच्छा खासा अपना आइडिया अपने को आ गया है। सम सॉल्व किया अपन ने क्लोज एंडेड फंड के ऊपर, अभी अपन लोग ने तीन से चार सम कर लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। बट ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं, उसके पहले आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। तो क्या आप लोग का साथ है? तो चलो लेट्स डिस्कस। आइए देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि से मैंने 1 जून 2013 को मार्केट में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। मार्केट में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, ठीक है। 30 जून, विच इज आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, 1 महीने के उपरांत, विच इज 30 जून 2013, विच इज आफ्टर 1 मंथ, ये मेरा पैसा हो जाता है 1,02,000। 1,02,000। मैं आपको पूछता हूं कि मैंने कितना रिटर्न कमाया, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? अज्यूमिंग के बीच में कोई डिविडेंड नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने कितना रिटर्न कमाया? बोलो बोलो, टेल टेल। टू परसेंट एवरीबॉडी, यस यस, सही जवाब। सो आप बोलेंगे कि सर 2,000 का रिटर्न कमाया है। 1,02,000 - 1,00,000, तो 2,000 का रिटर्न कमाया है अपॉन 1 लाख, विच इज अ रिटर्न ऑफ 2%, विच इज अ रिटर्न ऑफ 2%। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये 2% का रिटर्न आपने कितने टाइम में कमाया? बोलो बोलो, टेल टेल। ये 2% का रिटर्न आपने कितने टाइम में कमाया? यस, कैन आई से 1 महीने में सर? कैन आई से 1 महीने में? हाँ, मीर राजा बोल रहा है सर फॉर द पीरियड। अरे बट वो फॉर पीरियड क्या है, कितना पीरियड में कमाया? 1 महीने में ना। सो कैन आई से के भाई ये वाला जो मैंने रिटर्न है, 1 महीने में मैंने 2% रिटर्न कमाया। हाकिना, यस सर, बिल्कुल सही। 1 महीने में मैंने 2% रिटर्न कमाया। अगर मैं आपको पूछता हूं इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 1 महीने में 2% कमाया, मतलब 12 महीने के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मिल जाएगा मेरे को 24% पर एनम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेसिक्स है, ठीक है, शायद स्कूल में पढ़े हो अपन ये चीज, बट खाली एक रिकैप लेना इसका जरूरी है। समझ में आया आप लोग को? करेक्ट। सो अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पे से मैंने ये एग्जांपल था मेरा 1, अभी मैं एग्जांपल 2 पे आता हूं। सपोज मैं आपको बोलता हूं मैंने 1 जून 2023 को 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया। 30 मई 2024 को ये हो गया रुपीज 1,30,000, ये हो गया रुपीज 1,30,000। आपको बताना है मैंने कितना रिटर्न कमाया। आपको बताना है मैंने कितना रिटर्न कमाया। कौन? इजी पीजी। सो आप बोलेंगे सर 30% सर, क्या आप, हम क्या बच्चे हैं क्या सर, छोटी बच्ची है क्या? So, ये आप बोलोगे 30,000 का रिटर्न अपॉन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, मतलब 30% का हम लोग ने रिटर्न कमाया है, बराबर है। अब ये 30% का रिटर्न अपन ने कितने ड्यूरेशन के लिए कमाया, कहना इसे पर एनम। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 30% अगर मैं आपको पूछता हूं यहां पे, इस फंड से मुझे मंथली रिटर्न कितना मिला, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर 30% हमने रिटर्न कमाया है
12 महीने के लिए, तो एक महीने के लिए कितना रिटर्न हुआ? तो 30 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, विच विल बी 2.5%। कह रहे ये बेसिक आपको पता है, ये चीज एकदम बेसिक सी चीज है, मुझे पता है, दिख रही है, बट क्या आप लोगों को पता है ये चीज? अरे सर क्या बात करो, बिल्कुल पता है। गुड गुड गुड, अप्रिशिएट 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 अप्रिशिएट। ठीक है, समझ में आया? सो अगर मेरे को 12 महीने से 1 महीने पे जाना है या 1 महीने से 12 महीने पे जाना है, कैन आई से आई विल बी एबल टू मैनेज इट, यस और नो? सो अगर अगर मेरे को मंथली रिटर्न दिया है और मेरे को उसको एनुअलाइज करना है, जैसा मैंने यहां पे किया था, मंथली रिटर्न था उसको मेरे को एनुअलाइज करना था, तो मैं कैसे करूंगा? सो कैन आई से आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू मंथली रिटर्न जो भी दिया है, बराबर है, मल्टीप्लाई, अपन लोग ने इसको क्या किया, ये देखो मंथली रिटर्न था मेरा 2%, यानी से उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 महीने से। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अगर एनुअलाइज दिया होगा तो कहना इसे अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से। क्या ये बेसिक चीज समझ में आती है अपने को? बिल्कुल सर, बचपन में किया था ये तो। अच्छी बात, अच्छी बात है। चलो मैं खाली आप लोग का रिकैप करवा रहा था। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। एवरीबॉडी कम ऑन, आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेडी म्यूचुअल फंड स्कीम। एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 65.78, कैन आई से एसेट वैल्यू मतलब नेट एसेट वैल्यू बेसिकली। एनुअलाइज्ड रिटर्न 15%, डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन द नेचर ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन पर यूनिट 0.5 एंड 0.32। कैलक्यूलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द मंथ एंड एनएवी। क्या आप ये ट्राई करोगे? 2 मिनट देना हो, ट्राई करोगे? स्टार्ट एवरीबॉडी कम ऑन। चलो चलो चलो, ओके गाइस, किन लोगों का आंसर आया है? ट्राई कर रहे, ट्राई कर रहे सर, ट्राई कर रहे हैं। चलो मैं एंट्री लूं। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड आरुषि, क्या बात है, आयुषी गोयल, आरुषि खंडेलवाल, दोनों साथ में हैं बैच में। क्रिया, प्रीशु, रूपल, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सो सॉल्यूशन अब तुम लोगों को समझ में आ गया क्यों मैं करवा रहा था ये। तो एक बेस रहा तो आई थिंक इजी पड़ गया होगा आप लोग के लिए। नाउ एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ दिया है, एंड ये लोग ने अभी देखो लास्ट 2 3 4 सम जो अपन लोग ने किए थे उसमें रिटर्न अपने को कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन में रिटर्न दे दिया है, इस क्वेश्चन में रिटर्न दे दिया है। कितना रिटर्न दिया है बच्ची? एनुअलाइज रिटर्न दिया है 15% का, बट जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू। तो अगर अपने को मंथ
वाला चाहिए तो कहना ही सही, एनुअलाइज रिटर्न को अपन लोग मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। क्या एनुअलाइज को मंथ में कन्वर्ट करना अपने को आता है? सीधा का सीधा डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो एनुअलाइज मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? सो वी विल से इन दिस क्वेश्चन वी नीड द मंथली रिटर्न। सो इन दिस क्वेश्चन we need the month end now. Accordingly, annualized return will be converted to मंथली रिटर्न। ए समझू। अच्छा अब रिटर्न का फॉर्मूला अपने पास तो है ही, सो वी विल से रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू क्या क्लोजिंग नैव। अभी तो फॉर्मूला लिखा था भाई, भूल गए क्या? क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव प्लस डिविडेंड इंटरेस्ट कैपिटल गेन डिवाइड बाय ओपनिंग नैव। सो क्लोजिंग नैव तो है ही नहीं अपने पास, कोई बात नहीं फॉर्मूला लिख लेते पहले, माइनस ओपनिंग नैव प्लस डिविडेंड कैपिटल गेन अदर इनकम डिवाइड बाय ओपनिंग नैव। ठीक है चल, रिटर्न इन परसेंटेज क्लोजिंग नैव कितना है सर? वही तो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू। सो वो अगर अपने पास नहीं है तो वी विल राइट इट एज एक्स। नहीं पता है अपने को रिटर्न परसेंटेज पता है क्या? हाँ ये यहां पे अपन लोगों को कन्वर्ट करना ही भूल गए, चलो कर लेते हैं। सो इधर अपन बोलेंगे कि भाई इधर अपन क्या बोलेंगे दैट 15% एनुअलाइज रिटर्न है। क्या बोल रहा हूं? 15% एनुअलाइज रिटर्न है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने का 15% है तो एक महीने का कितना, एक महीने का कितना? सो 12 सीधा डिवाइड ही करना है, सो विच इज 1.25%। सो यहां पे अपन लोग बोल देंगे 1.25% इज इक्वल टू, मैं तो है ना ये 1.25% लिखता ही नहीं, सीधा 0.125 मतलब 1.25 डिवाइड बाय 100 कर दो और वो लिख दो इधर, तो 0.0125 आता है, 0.0125। अदरवाइज उधर 12.5% लिखो तो उधर 100 लिखो, फिर इधर से निकालना ही है, उससे अच्छा सीधा इधर ही लिख दो ना 12.5% मतलब 12.5 डिवाइड बाय 100 व्हिच इज 0.1.25% मतलब 1.25 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.0125 सिंपल इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि अपने को क्लोजिंग नैव नहीं पता है, माइनस ओपनिंग नैव पता है। यस कितना? 65.78। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन द नेचर ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन, सो 0.5, 0.32 प्लस 0.5 प्लस 0.32 डन। ठीक है ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय ओपनिंग नैव, ओपनिंग नैव कितना है? 65.78। भाई कोई भी इक्वेशन में अगर खाली एक चीज मिसिंग है, अगर खाली एक चीज मिसिंग है तो कहना इसे वो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। बोलो बोलो चल चल। सो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं,
एंड यू विल गेट द आंसर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और इसको सॉल्व कर लो आई थिंक बहुत इजीली मिल जाएगा तुम्हारे को x इज इक्वल टू 65.78 व्हिच विल बी योर क्लोजिंग नैब ए समझी गुडू एवरीबॉडी बोलो डन एंड डस्टेड विद दिस क्वेश्चन चलो सो ये वाला क्वेश्चन भी अपना इसी के साथ होता है कंप्लीट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे चलो आई थिंक ये सब बाकी है फटाफट कर लेते हैं इनको भी तो बहुत सिंपल ही है थ्री हुआ है क्या अपना थ्री फोर हुआ है नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ ठीक चलो आ जाओ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही इजी क्वेश्चन है फटाफट हो जाएगा चलो कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री कैलक्यूलेट द म्यूचुअल सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग एसेट्स इन स्कीम रुडोल्फ एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन 31st मार्च नैरोबी दकार सेनेगल कायरो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट प्राइस पर शेयर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्कीम रुडोल्फ आर 10 लैक्स कैन आई से आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है ये मेरा द स्कीम रुडोल्फ हैज accrued expenses of 2,50,000 and other liabilities of 2 lakh. Calculate the NAV of the scheme Rudolph. Can I say इसमें कुछ भी नहीं है सीधा आपको number of shares multiply by market price ये करते जाओगे तो तुम लोग को ये मिल जाएगा एंड लेस सी द अक्रूड एक्सपेंसिस करना है 25,000 का और 2 लाख का यू विल गेट द नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यू विल गेट द आंसर कैन आई से क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कशन हो गया है क्या मैं आपको सीधा होमवर्क में दे सकता हूँ विद योर परमिशन एवरीबॉडी विद योर परमिशन येस और नो क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी योर होमवर्क डन चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं ये भी कर सकते हैं और चलो वील पिकअप दिस क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ एवरीवन अ म्यूचुअल फंड कंपनी अगेन मॉड्यूल का क्वेश्चन है नाइस क्वेश्चन अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट्स अंडर इट एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन सो कंपनी है LMNP नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 20,000 38,000 20,000 60,000 फर्स्ट फेब्रुवरी मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 20,312.4, 361.2, 505.1 सेकेंड फेब्रुवरी मार्केट प्राइस दिया है 20.5, 360, 383.1 and 503.9 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज 6 लाख यूनिट्स कैलक्यूलेट द नेट एसेट वैल्यू चलो ये तो एकदम सिंपल है ये फटाफट आप लोग कर लोगे सेकेंड पार्ट में मेरी जरूरत है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अज्यूम व मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ ₹30 लाख to the mutual fund and fund manager of this company purchases 8,000 shares of M Limited and the balance is held in bank. In such a case, what would be the position of the fund? Also, find the new NAV as on 2nd February 2012. एक छोटा सा खाली चेंज है यहां पे ये जो इधर लिखा है 38,000 नहीं 30,000 है प्लीज ये चेंज कर लेना यहां पे ये देखो ये 38,000 लिखा है प्लीज मेक दैट 30,000
प्लीज मेक दिस एज 30,000। ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सबसे पहले तो नैव कैलकुलेट करने को बोला, वो तो बहुत ही ईजी है। अब जब एग्जाम में आप लोग सम सॉल्व करोगे ना तो नैव का तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो हो सके तो इंस्टीट्यूट वाला जो चेकर है ना उसको फॉर्मूला लिख के बता देना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन एड मनी रिसीव्ड लेस यूनिट इश्यूड, वो जो भी है आप लोग थोड़ा उसको सिस्टमैटिकली लिख के बता देना, सो दैट एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बंदा पूरा प्रेपरेशन के साथ आया। देखो एग्जाम में हर चैप्टर में से आने वाला तो एक ही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको यार छावर करके आओ, देकर आओ, इतना मेहनत करके सब नॉलेज लिया यार, है कि नहीं? राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यहां पे आ जाते हैं अपन लोग सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ नैव एज ऑन 1st Feb, बट उसके पहले नैव कैसे कैलकुलेट करते हैं, नैव पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड कैपिटल गेन इंटरेस्ट इनकम, बराबर है, लेस अक्रूड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, सब मिला के बन जाएगा नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, मिल जाता है नैव पर यूनिट। आइडियली ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे मैं बता चुका हूँ, स्टूडेंट नोट में भी लिखवा चुका हूँ, बट खाली एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। 2 मिनट लगा मुझे ये लिखने में, लिख लिया, एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार बंदा स्मार्ट है, प्लानिंग के साथ है, कल उठ के गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता कभी आप लोग से कोई सिली मिस्टेक हो गई, देन इन दैट केस ये फॉर्मूला लिखा होगा ना तो एग्जामिनर को एटलीस्ट ये क्लैरिटी रहेगा कि बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ कैलकुलेशन एरर हो सकता है, उसके वजह से वो ज्यादा मार्क नहीं कट करेगा, दैट्स द होल पॉइंट। ओके चल अब फटाफट इसको सॉल्व करना है, नैव कैलकुलेट करना है जो बहुत ईजी है, LMNP LMNP चल सो आई थिंक ये कैलकुलेशंस हो गया होगा, दीपांशु का हो गया, बाकी लोगों का हो गया तो मुझे बताओ। सो 20,000 30,000 20,000 60,000 सो 20,000 30,000 20,000 एंड 60,000 देन प्राइस ऑन मार्केट प्राइस ऑन 1st February 20 312.4 361.2 5051 कैन आई से मुझे इससे मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा, मुझे बताओ कितना टोटल आ रहा है तुम लोग का, नेट एसेट वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट्स इश्यू किया है, कुछ लिखा है क्या, 6 lakhs सो डिवाइड बाय 6 lakh यूनिट्स, बोलो ये अपने को मिल जाएगा नैव एज ऑन 1st Feb, बोलो बोलो टेल टेल। मुझे ये बताओ ना ये टोटल कितना आ रहा है वो तो बताओ कोई, सब लोग सीधा आंसर बोल रहे हैं, होशियार है सब। सो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है 1st Feb का दिया है, नैव अपने को 1st Feb का कैलकुलेट करना है, बहुत अच्छा, तो अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया,
कोई मुझे ये ख्याल नहीं दे रहा है नैब का। फोर करोड़ 73 लाख 2,000। थैंक यू। 4 करोड़ 73 लाख 2,000 डिवाइड बाय 6 लाख यूनिट्स करता हूं तो आता है नैव पर यूनिट 78.8367। 4 यूनिट, 4 डेसिमल तक रखेंगे। 6 6 है तो उसको राउंड ऑफ करके 6 7 पर यूनिट कर दिया अपन ने, पर यूनिट कर दिया अपन ने। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब ये नैब कब का है? ये नैब है 1 फेब का। ये नैब कब का है? ये नैब है 1 फेब का। सो नैब पर यूनिट एज ऑन 1 फेब, नैब पर यूनिट एज ऑन 1 फेब इज 78.8367 पर यूनिट। तो ये चीज अपने को एकदम क्लियर है, इस चीज में अपने को कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या हुआ पता है क्या? सुनो, तो 3:30 बजे 1 फेब्रुवरी को अपन लोग ने, ए म्यूचुअल फंड ने सेबी को भेज दिया 78.84। अब हुआ क्या देखो, अज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ ₹30 लाख टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड द बैलेंस इज हेल्ड इन बैंक, इन सच अ केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड। एंड फाइनली अपने को नैव कैलकुलेट करना है ऑन 2 फेब्रुवरी। तो अब देखो क्या हो गया, 1 फेब 3:30 बजे, लॉजिकली समझना, 1 फेब 3:30 PM को मेरा नैव कितना था? मेरा नैव पर यूनिट कितना था? कैन आई से इट वॉज 78.8367 पर यूनिट। बराबर है? बोलो हाँ या ना, कंफर्म करो सब लोग। अब 2 फेब को अपने म्यूचुअल फंड के दरवाजे पे कोई आया है, 2 फेब को अपने म्यूचुअल फंड के दरवाजे पे कोई आया है। अब जब वो 2 फेब को आ रहा है तो कहना इसे नॉर्मल टाइम पे आ रहा है, 3:30 बजे तो नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं दिया है तो नॉर्मल टाइम पे आएगा। सो कहना इसे कोई, ये मेरा 2 फेब को मेरे नॉर्मल टाइम के ऊपर आ रहा है और बोलता है कि मुझे यूनिट्स खरीदना है। कितने का? तो बोलता है कि 30 लाख रुपया है मेरे पास, 30 लाख रुपया है, कितना यूनिट दोगे? तो अपन उसको बोलते हैं, सुन भाई, आज की तारीख में अगर तू हमको 30 लाख देगा तो हमारा 1 यूनिट का नैव है 78.8367 पर यूनिट, इसके हिसाब से तेरे को मिल जाएगा। कितना यूनिट मिल जाएगा उसको? बोलो बोलो, चल चल, ये समझा क्या तुम लोगों? अब वो नॉर्मल टाइम पे आएगा, 2 फेब 3:30 को क्लोज करेंगे, तब तक तो 1 फेब का ही नैव चलेगा ना। डिवाइड 30 लाख डिवाइड बाय 78.8367, दिस विल बी 3,805.3.34 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स 2 डेसिमल में होता है, नैव 4 डेसिमल में होता है। असलम रॉन्ग आंसर, आयुषी रॉन्ग आंसर, रूपल थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर है, देख ले भाई। करेक्ट मानसी, वेरी गुड। चल फिर क्या दिया है देखते हैं। एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। तो एम लिमिटेड में अपन लोग ने खरीद लिया, क्या खरीद लिया अपन लोग ने? एम लिमिटेड में 8,000 अपन लोग ने शेयर्स खरीद लिए। सो सुनो, अब हुआ क्या, अपनी कंपनी के पास 30 लाख रुपए आ गए 2 फेब नॉर्मल टाइम को, कंपनी के पास 30 लाख रुपए आ गए। कंपनी बोलती है ये 30 लाख रुपए का हम 8,000 शेयर्स खरीदेंगे
ऑफ एम लिमिटेड, ऑफ एम लिमिटेड कितना है एम लिमिटेड का? देखो 2 फरवरी का ये मार्केट प्राइस दिया है, बट ये क्लोजिंग प्राइस है, अपने को क्लोजिंग प्राइस नहीं, अपन लोग ओपनिंग प्राइस लेंगे, बिकॉज ड्यूरिंग द डे तो शेयर मार्केट तो बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अब कुछ बोला नहीं है तो अपन लोग अज्यूम कर लेंगे कि उतना ही रहेगा, स्टेबल ही रहेगा, विच विल बी 312.54 पर शेयर. सो 8,000 इंटू 312.4 दिस विल बी इतना हो जाएगा रुपीज 24,99,200. दिस इज गोइंग टू बी योर, ये आपने इन्वेस्ट किया है, आपके पास 30 लाख आया था, आपके पास 30 लाख आया था. सो कैन आई से बैलेंस क्या है? कैश बैलेंस, कैश कितना होता है देखो, 5,800,000. ओ रुपीज 5,800,000 इज इन बैलेंस इन कैश, समझियो. तो देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता है कि उसने नया ये परचेज किया, बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन केस, इन सच अ केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड. सो पोजीशन ऑफ द फंड क्या रहेगा कि अब अपने पास 5 लाख रुपए कैश में पड़ा है, 8,000 रुपीज एम लिमिटेड का बढ़ गया है. गॉट इट गाइस? ठीक है. अच्छा अब कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग कुछ बोल सकते हैं होशियार लोग कि ये सर 312.4 क्यों लिया, क्यों आपने क्लोजिंग वाला नहीं लिया? बिकॉज अब देखो कुछ ऐसा सच वो नहीं है, बट एवरी सेकेंड चेंज होता है मार्केट प्राइस शेयर का, तो वो तो नहीं दे सकते वो लोग, कुछ नहीं दिया है तो वील टेक द एस्टरडे का प्राइस. और चाहिए तो इसके लिए मैं एक नोट भी लिखवा देता हूं, चाहिए तो इसके लिए मैं एक नोट भी लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को रिवाइज करते वक्त कंफ्यूजन ना रहे. सो व्हाट विल बी माय नोट, माय नोट विल बी दिस, इन एब्सेंस ऑफ इन्फो, कुछ बोला नहीं है ना, सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द करंट परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स टुडे, ऑफ शेयर्स टुडे इज बेस्ड ऑन येस्टरडेज मार्केट प्राइस, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. वो दे ही दे कुछ अलग तो अलग बात है, बट अनलेस अदर स्पेसिफाइड शेयर्स टुडे विल बी बेस्ड ऑन येस्टरडेज मार्केट प्राइस. अच्छा एवरीबॉडी यस डन. अब फाइनली अपने को कैलकुलेट करना है नैव एज ऑन 2 फेब, वही एल वही एम, बट एम में ये बार दो चीज, एक 30,000 के साथ साथ 8,000 शेयर्स और खरीद लिए हैं, याद रखना है एन पी, बाकी तो ज्यों का त्यों ही रहेगा. अच्छा एल 20,000 शेयर्स, 38,000 शेयर्स, एन 20,000, पी 60,000, अच्छा मार्केट प्राइस कितना है एज ऑन 2 फेब वाला लेना है 20.5, याद रखना 360, 383.1, 503.9, एंड फाइनली ये टोटल नेट एसेट कितना आता है आप लोग मुझे बताएंगे, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स में भी चेंज होगा. ओ मैं एक चीज भूल गया, एक चीज भूल गया, एक चीज भूल गया सर, कैश भी तो आएगा, वो भी अपने पास ही पड़ा है ना, म्यूचुअल फंड के पास, बराबर है, इन्वेस्टर को बिलोंग करते हैं तो म्यूचुअल फंड के पास, वो भी तो ऐड आ जाएगा. तो मार्केट वैल्यू ऑफ कैश इज वॉट एवर इट इज द वैल्यू कैश, सो प्लस कैश विद द फंड जो अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया था.
कितना कैलकुलेट किया था कैश विद द फंड? 5,08,000, 5,08,000। सही है, सही है, सही है। चलो डन। अच्छा ये सब मिला के, अभी ये टोटल मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब मिला के प्लस 5,08,000 टोटल, क्या मुझे कोई बता सकता है कितना आ रहा है? ये नेट एसेट कितना आ रहा है कोई बता सकता है? दिस डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। सो देखो 6 लाख था आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, अब और कितना इश्यू हो गया, और कितना इश्यू हो गया? 38053.34, 38053.34। तो टोटल कितना हो गया आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स? 638053.34 यूनिट्स। नेट एसेट कितना हो गया ये लोग ने कैलकुलेट करके मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच। सो इट इज 5,24,86,800, 5,24,86,800 डिवाइड बाय दिस नंबर ऑफ यूनिट्स, फाइनली अपने को मिल जाएगा, फाइनली अपने को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू। बोलो कितना आता है ये? प्लीज कंफर्म। चलो ग्रेट। दो तीन जगह जहां पे मिस्टेक हो सकती है, सम सिंपल है बट मिस्टेक होने का फुल चांस है। देखो मैंने उसको हाईलाइट करके भी ब्लू में लिखा है, एक तो ये कैश विद द फंड इधर ऐड करना भूल सकते हैं, दूसरा ये इधर 8,000 ऐड करना भूल सकते हो, तीसरा ये 312.4 पे लेना, यहां पे ये 78.836 बिकॉज वो नॉर्मल टाइम पे आ रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज आपको ध्यान में रख के है, सम बहुत सिंपल बट दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। यस असलम क्या बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चलो ऑन दैट नोट आप लोगों को देता हूं मैं ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये देखो सर 5 लाख कैश वी डिराइव्ड इनिशियली वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। श्योर आइए रिपीट कर देता हूं मैं, कैश कैसे आया। देखो टोटल म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 30 लाख रुपए आए, वो 30 लाख रुपए ये लोग कहां पे डाल रहे हैं? इन 8,000 शेयर्स, इन परचेसिंग 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। तो जब 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड खरीदा तो कितने में खरीदा? 312.4 में, मतलब 24,99,200 में। पर मेरे पास तो 3,30,00,000 रुपए आए, उसमें से तो मैंने खाली 24,99,200 दिया, तो बचा कितना? 5,08,000 मेरे पास अभी भी कैश पड़ा है। समझा क्या जय कुमार? डन। चलो ग्रेट। ओके अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपल है। ए बी सी डी ई दिया है, नैव फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट 50 लाख का चेक आया, 18,000 का सी लिमिटेड इमीडिएटली खरीदा, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड? नाउ ऑन 2 अप्रैल 2009 ये शेयर का वैल्यू होता है, व्हाट विल बी द न्यू नैव? Almost, almost similar question. So question number 16 will also be your homework. So दो question आप लोग homework के लिए दे चुका हूं, question number 3, question number 16 दोनों भी homework है। अभी clear everybody? चलो ये question हो गया है सब लोग का, confirm करो तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज कुछ बाकी है तो बोलो मैं दिखा देता हूं।
चलो 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 चालू चालू चालू। भरत बू पूछ रहा है, सर हमने 30 3805 3.34 क्यों लिया? भरत मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जब यहाँ पे सेकेंड फेब को नॉर्मल टाइम पे वो बंदा 30 लाख रुपए चेक लेकर आया ना, तो 30 लाख रुपए वो अपने को दे रहा है, तो करंट ना विच इज 78.8367 पे अपन लोग उसको यूनिट्स इशू करेंगे ना, तो कितना यूनिट्स इशू करेंगे? 3805 3.34। तो वो जो यूनिट्स इशू किया है, तो अब अपना आउटस्टैंडिंग यूनिट्स जो 30 लाख था, 6 लाख था, प्लस ये जो 30 लाख के सामने 38053 अपन लोग ने इशू किया है, वो भी तो आएगा भरत, समझे क्या? चलो डन। क्वेश्चन 3 एंड 16 आप लोग का होमवर्क रहेगा। कल लेक्चर नहीं है, ठीक है? कल संडे, तो कल लेक्चर नहीं है, बट प्लीज रिवाइज करके रखना, बता रहा हूं। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, एंड इट विल बी क्वेश्चन नंबर 4। मैं खाली रीड कर रहा हूं, वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड मैं खाली रीड कर रहा हूं, एंड सैफ बोल रहे हैं सर ले लो, कल भी संडे है तो क्या हुआ? अरे यार, एक ही चेहरा रोज देख देख के बोर नहीं हो जाओगे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं, ट्राई करना तुम लोग 5 मिनट, फिर मैं करूंगा। लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड, ओके, कैश इन हैंड, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट, डिविडेंड अक्रूड, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, एक्सपेंडिचर अक्रूड, नंबर ऑफ यूनिट्स, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। शेयर्स वर परचेज व्हेन इंडेक्स वॉज 1000, प्रेजेंट इंडेक्स इज 2300, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट नैव डेट 8, देयर वॉज ए डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ट्राई करो आप लोग रीड करके क्वेश्चन, एंड देन आई विल स्टार्ट इट, कम ऑन।
चलो टाइम आप पढ़ा, आप लोग ने क्वेश्चन को बराबर से ट्राई किया थोड़ा थोड़ा तोड़ो तोड़ो। चलो अब मैं करूं इसको सॉल्व, मजा आएगा। चलो मैं एक बात बताता हूं, स्टार्ट पे अटेंशन। ठीक है असलम, इधर तक क्लियर है तेरे को? इधर तक अभी तक जितना भी हुआ है क्लियर है तेरे को? स्टार्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द नैव ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस। ठीक है अब देखो नैव अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नैव अपन कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये म्यूचुअल फंड ने कितने सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, थोड़ा लिस्टेड शेयर्स में डाला है, थोड़ा बॉन्ड्स में डाला है, थोड़ा फिक्स्ड इंटरेस्ट में डाला है, किधर थोड़ा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो अपने को इनका मार्केट वैल्यू निकालना है और इनके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे अपना नैव का कैलकुलेशन होगा। तो से फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ने लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट किया, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट कितना दिखा रहा है 20 crores। अब इसका मार्केट वैल्यू निकालना है, एट कॉस्ट मतलब अपन लोग ने कितने में खरीदा था ये लिस्टेड शेयर्स। जब स्टार्टिंग में अपने पास म्यूचुअल फंड के एनएफओ के थ्रू पैसा आया होगा तो वो पैसे को अपन लोग ने लिस्टेड शेयर्स में डाला होगा, कितने में डाला था, जब डाला था तब कितना हो गया उसका, तो कितने में डाला था 20 करोड़ में। ठीक है अब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया है अपने को, तो उस हिसाब से डालना पड़ेगा, बराबर है? तो आ जाओ इसका, ये लोग ने नोट में दिया है द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज्ड व्हेन इंडेक्स वाज 1000, प्रेजेंट इंडेक्स इज 2300। समझियो? सो इन शॉर्ट, करेक्ट, सो इन शॉर्ट कैन आई से 2.3 टाइम्स उसका वैल्यू बढ़ गया है। सो अब यहां पे सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, नैव पर यूनिट इज इक्वल टू वो जो आज फॉर्मूला तुम लोग को बताया, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पे अपने को लिख के आना है। गाइस यस एवरीबॉडी आर वी क्लियर? स्टूडेंट नोट्स में ये फॉर्मूला तुम लोग को लिखकर आना पड़ेगा बच्ची। लो तुम्हारे लिए वो भी लिख देता हूं, ठीक है? सो ये आ गया। इंडेक्स का क्या मीनिंग हुआ बताता हूं, देखो सुनो, जब अपन लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, तुम लोग ने कभी निफ्टी का नाम सुना है? निफ्टी, निफ्टी इज ए इंडेक्स, नहीं सुना है? सेंसेक्स का नाम सुना है? सेंसेक्स एंड निफ्टी, आगे वो वैसे मैं करवाने वाला हूं बट फिर भी थोड़ा एक आइडिया हो अपने को तो बेटर है। ये देखो निफ्टी, तो निफ्टी है ना एक इंडेक्स है। निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनीज होती है उसमें, वैसा उसको और डिटेल में एज आई टोल्ड यू आई विल टेल यू क्या एग्जैक्टली होता है। सो निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज होती है उसमें, तो एक इंडेक्स है, वैसे ही सेंसेक्स एक इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स का वैल्यू जिस दिन मैंने परचेज किया था ना मेरा शेयर्स, मैंने जिस दिन शेयर्स परचेज किया था उस दिन निफ्टी या जिसको अपन बोलते हैं इंडेक्स, वो था 1000 पे। ठीक है और मैंने इसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करो मैंने ये शेयर्स परचेज किए रुपीज 10,000 के, जब निफ्टी 1000 का था तब मैंने 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे, आज निफ्टी 2300 हो गया है, तू मुझे बता मेरा प्रिंस, तू मुझे बता ये मेरे शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया होगा, तू मुझे बता मेरे ये शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया होगा, बोलो बोलो चल चल। तो कैन आई से क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि भाई अगर जब 1000 था तो 10,000
का परचेज किया, तो आज 23 है, 100 है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10,000 इंटू 2300 डिवाइड बाय 1,000, सो इट विल बी 23,000 रुपीज। ए समझियो, सब लोग की तरफ से आंसर चाहिए मुझे, प्रिंस समझा गया तेरे को बेटा, समझा? तो एग्जैक्टली अब यही चीज यहां पे होने वाली है। अब अपन लोग है ना नैव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं इधर बना देता हूं स्टेटमेंट ऑफ नैव, मैं इधर बना देता हूं स्टेटमेंट ऑफ नैव। तो स्टेटमेंट ऑफ नैव के लिए अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है सबका मार्केट वैल्यू चाहिए रहेगा, तो उसका एक स्टेटमेंट बना देता हूं। पार्टिकुलर्स एंड रुपीज, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट। सो अब ये जो शेयर्स है लिस्टेड शेयर्स है, हमने जब ये लिस्टेड शेयर्स खरीदा था तब इनका वैल्यू था 20 रुपया, पर तब इंडेक्स 20 करोड़, मतलब ये समझना इन करोड़ है भाई, इन करोड़, ठीक है। तब इंडेक्स कितना था प्रिंस? तब इंडेक्स था 1000। तो जब इंडेक्स 1000 पे था, जब इंडेक्स 1000 पे था तो मेरा कॉस्ट था 20 करोड़ का, तो मेरा कॉस्ट था 20 करोड़ का। आज इंडेक्स 2300 पे आ गया है, तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? इट विल बी 2300 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000 एंड इट विल बी 46। मैं लिखूंगा मार्केट वैल्यू आज की तारीख में इस लिस्टेड शेयर्स का है 46। आर वी क्लियर एवरीबॉडी गाइस? किसी को इसमें डाउट है क्या? बोलो बोलो। डन, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चल डन, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पार्ट वो लोग ने क्या बोला है। कैश इन हैंड, क्या कैश इन हैंड? आज मेरे पास 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया कल थोड़ी ना 1000 1500 बन जाएगा, 1000 तो 1000 ही रहेगा 10 साल बाद भी, बराबर है। तो कैश का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, कैश इन हैंड विल रिमेन एज इट इज 1,23,00,000। सो कैश इन हैंड विल बी ज्यो का त्यो 1.23 करोड़, ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। चल नेक्स्ट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड आर 1। मैं क्या बोलता हूं इसका है ना, एक अपन लोग अलग से, मैं इसका अलग से एक वर्किंग नोट ही बना देता हूं बॉन्ड्स का, बेटर रहेगा, कभी भी अटको तो एक वर्किंग नोट बना लेने का काम इजी हो जाता है। सो अब मैं इधर बॉन्ड्स का एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, इधर ले देता हूं वर्किंग नोट 1। वो लोग क्या बोल रहे हैं बॉन्ड्स के लिए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट 4.3, उसमें से ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड इज 1। मतलब ये बॉन्ड्स टोटल है, ये बॉन्ड्स का टोटल है 4.3, इसमें से वो लोग बोल रहे हैं अनलिस्टेड इज 1। तो लिस्टेड कितना हुआ? अगर ये 4.3 में से अनलिस्टेड है 1, तो लिस्टेड कितना हुआ? करेक्ट 3.3। समझ में आया? डन, ठीक है। अब क्या बोला है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड, ध्यान से पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड नहीं, खाली वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑन एनएवी डेट वाज 8 करोड़। तो अपने को इधर लिखने का कि भाई ये लिस्टेड बॉन्ड्स का कितना हो गया? 3.3 का 8 हो गया, 3.3 का कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा, अनलिस्टेड बॉन्ड्स के लिए कुछ बोला है क्या? देखो, लिस्टेड बॉन्ड्स के लिए क्या बोला है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स 8। अनलिस्टेड बॉन्ड्स के लिए कुछ बोला है क्या? बोला है, बोला है, देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो, हाँ देखो ध्यान से, देखो, देयर हैज बीन अ डिमिनिशन इन द ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है उसके बारे में क्या बोला है? 20% डाउन। सो यहां पे अपन लोग बोलेंगे 1 था,
उसमें से 20% डाउन हो गया, ये हो गया मेरा 0.8। ए समझी गुड एवरीबॉडी, बोलो बोलो। देखो इसके लिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन को फुल फोकस के साथ रीड करो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएगा। हाँ गुड क्वेश्चन सर, अगर लिस्टेड बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू नहीं दी रखी होती तो क्या उस पे भी अपन सेम इंडेक्स वाला यूज करते? द आंसर इज नो, क्योंकि अबाउ इंडेक्स इज ओनली फॉर शेयर्स। अगर कुछ नहीं दिया होता तो ज्यों का त्यों लिख देते, मतलब 4.3 का 4.3, 3.3 का 3.3, कुछ नहीं दिया होता तो। बट शेयर्स का इंडेक्स और डिबेंचर का इंडेक्स अलग होता है, वो इसके लिए यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। कई बार इनवर्स रिलेशनशिप भी होता है, तो इसके लिए इट इज बेटर वो अप्लाई ना करे, ज्यों का त्यों सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो। जैसे इसका 20% डिमिनिशन का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो अपन एज इट इज लिख देते। समझियो दीपांशु जी? ओकेज सो इधर मैं बॉन्ड्स का लिख देता हूं, एक तो है लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड का कितना 3.3 नहीं सॉरी 8 हो गया अभी, और ये 0.8। ठीक है, चलो सब लोग की तरफ से यस सर आ गया है। नेक्स्ट, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट। असलम भाई तुम साथ में है हमारे? अब तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? और समझ में आ रहा है क्या अपन लोग कर रहे हैं? सो अपन सीआईओ है, अपने को आज नया कैलकुलेट देना है, करके देना है सभी को 3:30 बजे। अपने पास शेयर्स है, चलो मार्केट वैल्यू निकाल लिया, कैश इन हैंड है एज इट इज लिख लिया क्योंकि उसमें तो मार्केट वैल्यू कुछ होता नहीं है। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स है, उसका मार्केट वैल्यू निकाल लिया। अब आ रहे हैं अपन लोग अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज पे, उसके लिए देखो क्या बोला है। वो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज 4.5 है एंड उसके लिए भी कुछ बोला है क्या? नहीं कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, नहीं नहीं बोला है, बोला है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100 हैज बिकम 106.5। मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका भी वैल्यू बढ़ गया है। ठीक है, सो तो मैंने जब लिया था अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट लिया था तब 4.5 करोड़ था, अब ये चीज जो कॉस्ट पे लिया था 100 का, इसका वैल्यू हो गया 106.5। मतलब इधर भी वर्किंग नोट बना लेंगे अपन एक छोटा सा तो काम इजी हो जाएगा। इधर लिख लेंगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो जब मैंने 4.5 करोड़ इन्वेस्ट किया था तब फेस वैल्यू था एट कॉस्ट 100 पे, आज इसका वैल्यू हो गया 106.5। अपने को बताना है क्या वैल्यू हो जाएगा। फोर पॉइंट सेवन नाइन टू फाइव, समझ गए? चलो सो इधर अपन लोग लिख लेंगे फोर्थ पॉइंट फिक्स्ड इनकम का, रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट टू का एंड वी विल से इट इज 4.7925। सही है, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिविडेंड अक्रूड 0.8। ले भाई ले, आइडियली तो रिसीव्ड वाला आना चाहिए बट ठीक है, अब दिया है ये लोग ने अक्रूड पार्ट तो वो भी ले लेंगे 0.8। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, और कुछ है? इधर ही कंटिन्यू करेंगे अपन। डिविडेंड अक्रूड के बाद अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स 6.32 पेबल है, तो कहना इसे ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को अपन क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। सही है, एक्सपेंडिचर अक्रूड 0.75, सो अपन कर देंगे लेस अमाउंट पेबल एक्सपेंडिचर
अक्रूड अमाउंट पेबल कितना 6.32 एंड 0.75। डन। सो कितना आ जाएगा अपने पास नेट एसेट्स, बोलो कितना आ जाता है नेट एसेट्स वैल्यू, फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव फाइव टू फाइव। ये आ गया नेट एसेट वैल्यू, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो कितना आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ आई गेस, यस 20 लाख, 20 लाख। अब यहां पे गलती होने का फुल चांस है, मतलब यहां पे गलती होता ही है, मतलब अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलू, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया था मेरा ये सब बराबर आया, मैंने यहां पे गलती कर दिया। पता है क्या किया मैंने, मैंने किया 54.5525 डिवाइड बाय 20 लाख, सीधा डिवाइड बाय 20 किया, मेरा आंसर है 2.727625। बाद में देखा तो आंसर रॉन्ग आ रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है, मुझे लगा कुछ राउंडिंग ऑफ एरर होगा ये वो, फिर बाद में मालूम पड़ा मैंने कितना बड़ा मिस्टेक किया था। करेक्ट, ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये क्रोर्स में है बिट्टा, और ये लैक्स में है, तो क्रोर्स और लैक्स तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो सीधा आप 20 लाख से डिवाइड नहीं कर सकते। सो आपको ये 20 लाख को करोड़ में कर दो या करोड़ को लाख में कर दो, जो आपकी इच्छा। तो मैं 20 लाख को करोड़ में कर देता हूं, 20 लाख को मैं जब डिवाइड कर दूंगा करोड़ के साथ, सो इट विल बिकम 0.2 crores। ठीक है, चलो अब अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब आप लोग ने मेरे जैसी गलती नहीं की, आई एम प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। 54.5525 डिवाइड बाय 0.2, यह आ जाता है एनएवी पर यूनिट विल बी 272.7625 पर यूनिट। समझे क्या, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? डन 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 डन। सेम थौशिप सेम ट्रीटमेंट, सौसिफ पूछ रहा है जो मुझे आज जसली ने भी सुबह पूछा था कि सर अगर ये डिविडेंड अक्रूड के जगह पे इफ दे हैव गिवन इंटरेस्ट अक्रूड, सी इफ दे आर स्पेसिफिकली गिवन इट इन द क्वेश्चन देन इट इज बेटर दैट वी इंक्लूड इट, विल इंक्लूड इट। एक बार फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी वाला रिपीट करना, डेफिनेटली विल डू दैट, नोट्स ऑन द स्पॉट कर दूंगा शेयर, डोंट वरी। हाँ, फिक्स्ड इनकम वाला देख क्या बोला है, जब मैंने ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था ना, तो मैंने 4.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब मैंने कहां से खरीदा पता है, मैंने खरीदा मार्केट से, तब मार्केट में एक
फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का भाव चल रहा था 100 रुपया, कितना चल रहा था 100 रुपया, तो मैंने इसे 4.5 करोड़ मतलब 450 लाख मैंने इन्वेस्ट किया डिवाइड बाय 100, एक से यूनिट का एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का 100 रुपीज, सो 4,50,000 सिक्योरिटीज मैंने खरीदा। अब उसका 100 के जगह पे मार्केट में प्राइस हो गया 106.5। जैसे शेयर्स खरीदते हैं तो कैसे, शेयर 100 रुपए में खरीदा तूने, 4.5 करोड़ का शेयर 100 रुपए में खरीदा, अब उसका वैल्यू हो गया 106.5, तो 106.5 करेगा तू तो यही आएगा 4.7925 पैसा। यस, कोई बात नहीं सर, दैट्स हाउ वी लर्न। सो तुम लोग को मैंने सॉल्व करने को इसीलिए दिया है, रीड करने को इसीलिए दिया है, ताकि खुद ट्राई करो, मिस्टेक करो, एंड देन फिर बाद में मेरे से सीखते जाओ। चलो मूविंग ऑन, आर वी क्लियर एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट और इस क्वेश्चन में? गुड क्वेश्चन बाय स्नेहा समीर शाह, उसने पूछा है सर अगर यहाँ पे एक्स डिविडेंड के जगह कम डिविडेंड दिया होता तो क्या होता, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड का सेपरेट डिस्कशन ही पहले मैं करूंगा, फिर आपको बताऊंगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ एक्स डिविडेंड दिया होता है तो इट विल कंटिन्यू एज इट इज, बट आई एम श्योर आप लोग को कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड क्या है वो ही नहीं पता है, वो मैं अलग से सिखाऊंगा एंड उसको फिर बाद में आप लोग को क्लैरिटी दे दूंगा। चलो समझ में आया इतना, किसी को कोई डाउट आई आई एम आस्किंग यू गाइस। देखो कौन सा टेक्निकल वर्ड दिख गया रे असलम। चलो सो आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन अपना हो गया है, क्लियर है, क्लैरिटी है सब लोग को इधर तक, एनी डाउट्स? अच्छा स्टूडेंट नोट्स अपडेट कर रहे हो आप लोग रेगुलर बेसिस पे? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 एवरीबॉडी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आ जाते हैं अपन, कम ऑन। यस, आ जाइए यहां पे। चलो लेट्स स्टार्ट। अ म्यूचुअल फंड मेड एन इश्यू ऑफ 10 लाख यूनिट्स एट ₹10 ईच, वेरी गुड, ऑन January 1, नो एंट्री लोड वॉज मेड, वेरी गुड। इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर
डिविडेंड ऑफ 12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी वॉज रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू, एट द एंड ऑफ द योर इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिबेंचर्स आर कोटेड एट दिस, फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू गिवेन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख. बस इधर तक का ही रीड करो, आगे का रीड मत करो, बस इतना ही रीड करो. ठीक है, अब अपने को नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है कि अपन कर सकते हैं क्या. द आंसर इज यस, कर सकते हैं, बट एक हिडन एडजस्टमेंट है इसमें. क्या ये क्वेश्चन रीड करके कोई मुझे वो हिडन एडजस्टमेंट बताएगा क्या? क्योंकि बाकी तो सब इजी है, बाकी तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट वो हिडन एडजस्टमेंट में गेम हो सकता है तुम्हारा ऊपर नीचे. क्या कोई बता सकता है क्या है वो हिडन एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट, ओके, वेरी गुड. तो इन शॉर्ट दो हिडन एडजस्टमेंट है. तो देखो सही बोल रहे हो, एक तो इंटरेस्ट का है कि भाई डिबेंचर्स है ये देखो 7% लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9%, 10%, सो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा. सो चलो मैं लिख देता हूं एक बार नोट में क्या क्या अपना हिडन एडजस्टमेंट है. पहला हिडन एडजस्टमेंट है नोट रिलेटेड टू, इधर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट वॉज रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू. सो इन एब्सेंस ऑफ इन्फो डिबेंचर इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट will accrue and received by the fund and received by the fund. तो fund उसको receive कर लेगा, which will be added while calculating NAV, which will be added while calculating NAV. और एक adjustment है. हाँ, वेरी गुड कान्या जी, बहुत बढ़िया कान्या ढिंगरा ने, तालिया उसके लिए, उसने फाइंड आउट कर लिया है. देखो जब ये क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो बोला है म्यूचुअल फंड मेड एन इश्यू ऑफ 10 लाख यूनिट्स एट द रेट 10 ईच, मतलब 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ रुपए आए, बट उसमें से मेरा खर्चा 98 लाख का ही हो रहा है. तो 2 लाख किधर है? 2 लाख कैश बैलेंस है, विच विल ऑल्सो बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग नैव. तो ये 2 लाख एड करना मत भूलना. करेक्ट आरुषि खंडेलवाल, बहुत बढ़िया. समझ में आया क्या तुम लोग को गाइस? डन, गॉट इट, परफेक्ट. सो ये मेरा अभी आ जाएगा सेकेंड एडजस्टमेंट, अभी मेरा आ जाएगा ये सेकेंड एडजस्टमेंट. क्या? कैश बैलेंस, कैश. यस, हम करके आएंगे. अभी होमवर्क दे दो अक्षत सिंगला को, ऑफिस भागना है अक्षत सिंगला, इसलिए तो ऐसे कर रहा है, मुझे पता है. चलो, दिस कैन बी अ हिडन एडजस्टमेंट. ये भी प्लीज स्टूडेंट नोट में लिख देना गाइस, ये कैश बैलेंस, दिस कैन बी अ हिडन एडजस्टमेंट. बस 5 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन को, इजी है ये. खाली ये दो हिडन एडजस्टमेंट बताने थे. So always calculate क्या inflows received from mutual fund less इन्वेस्टमेंट डन बाय म्यूचुअल फंड. ये आपका आउटफ्लो हो गया, जो बच गया वो आपका कैश बैलेंस. ये कैश बैलेंस का आप क्या करोगे?
करेक्ट टू बी एडेड वेल कैलकुलेटिंग नैन. ऑलवेज रिमेंबर टू बी एडेड वाइल कैलक्यूलेटिंग नैन. डन. चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे. अच्छा एक बात मुझे लास्ट बता दो. ये देखो ये देखो एक लास्ट बात मुझे बता दो. ये जो डिविडेंड है उसका जो कैलकुलेशन है वो किस पे होता है? से मैंने शेयर खरीदा 1500 रुपीज में, जिस दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उस दिन मेरे शेयर का वैल्यू हो गया 1800. तो क्या मेरे को 1800 के ऊपर डिविडेंड मिलेगा क्या? क्या मुझे 1800 के ऊपर डिविडेंड मिलेगा क्या? बोलो सर. आप मैंने कोई शेयर खरीदा 1500 में और उसका वैल्यू हो गया 1800, जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उस दिन उसका वैल्यू हो गया 1800, तो क्या मेरे को 1800 के ऊपर डिविडेंड मिलेगा बच्चों? द आंसर इज नो सर, नेवर. डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू. सेम इज द केस विद डिबेंचर या बॉन्ड्स इंटरेस्ट. दे आर ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो यहां पे अपन लोग का और एक आ जाएगा SN. तो थर्ड नोट में और एक डाल देता हूं यहां पे. क्या के डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स is always calculated on face value. सही है? डन है? ग्रेट है. चलो अब बॉस चालू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ नैव बनाना. बहुत बातें हो गई इधर उधर की, मुद्दे पे आ जाते हैं अभी अपन लोग. स्टार्ट. सबसे पहला कैश लिख दो भाई, वरना भूल ना जाओ. कैश लिख दो. सबसे पहला कैश में नहीं आया पार्टिकुलर्स एंड रुपीस. तो सबसे पहला अपन ने लिख दिया कैश बैलेंस. कितना है कैश बैलेंस? 100 लाख माइनस 98 लाख इन्वेस्टेड, 2 लाख का कैश बैलेंस. सही है? आगे बढ़ेंगे. चलो डन. नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स है मेरा नेक्स्ट. अब ये देखो, अब एक एक करके लेते जाओ. इक्विटी शेयर्स एट द रेट 160 खरीदा था भाई, अभी कितने का है वो बताओ. क्या पॉइंट है अभी देखना, ध्यान से देखना. इक्विटी शेयर्स के लिए क्या बोला? एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिबेंचर्स, फिलहाल का इक्विटी शेयर्स पे आर कोटेड एट 175% रिस्पेक्टिवली ऑफ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू के बेसिस पे तुम लोग को उसका मार्केट प्राइस दिया है, ध्यान रखना. इक्विटी शेयर्स है टोटल 50,000 शेयर्स, बट एट द रेट क्या बोलते हैं 100 रुपीज का शेयर्स मल्टीप्लाई 100 रुपीज का उसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 175%. अबे डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई. सो 100 into 175%. सो
सो दिस इज इक्वल टू रुपीज 175. सो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के टर्म्स में दिया है कि फेस वैल्यू का 175% है. सो 50,000 इंटू 175 कितना होता है? इट इज 87,50,000. करेक्ट, इट इज 87,50,000. चलो डन. नेक्स्ट, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट देखो अभी क्या बोला है, एंड 10% डिबेंचर्स आर एट 90% ऑफ रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू. ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट्स आर एट पार. सो अब ये जो 10% वाला है ना, इसको बोला है 90%, बट 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कुछ बोला नहीं, 9% डिबेंचर्स अनलिस्टेड के लिए कुछ बोला नहीं, तो वो ज्यों के त्यों एट पार आ जाएंगे. एट पार मतलब ज्यों के त्यों. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना? 8 लाख. फिर 9% डिबेंचर्स अनलिस्टेड 5 लाख. डन. फिर 10% डिबेंचर्स लिस्टेड, इसमें चेंज आएगा डिबेंचर्स लिस्टेड. इसके लिए क्या बोला है कि भाई जो भी इसका वैल्यू है उसका 90% हो गया है. सो हमने उसको से फॉर एग्जांपल 5 लाख पे लिया था, अब इसका वैल्यू 90% हो गया है, विच इज 4,50,000, विच इज 4,50,000. बोलो बोलो, चल चल, क्लियर है? डन. नेक्स्ट, बस हो गया आई थिंक, बाकी तो कुछ है नहीं. अब सबका डिविडेंड और इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वॉज रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू. ठीक है, तो देखते हैं कितना है. 7% है. अच्छा, और एक चीज यहां पे ये भूल ना जाए अपन, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 12 लाख वॉज रिसीव, तो वो भी लिख लेते हैं. तो 6 सीधा सीधा दिया है, एड डिविडेंड गिवन ही है 12 लाख. सही है, ओके डन. नेक्स्ट, सेवन परसेंट अभी देखो, अभी अपने को जो इंटरेस्ट अक्रू हुए हैं वो भी ऐड करते जाना है, क्योंकि वो भी मेरा इनकम है. तीन है मेरे पास, पहला है 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8 लाख. सो 7% इंटू 8 लाख कितना होता है अब तक? 56,000. ओके, फिर 9% 5 लाख के ऊपर. सो 9% 5 लाख के ऊपर 45,000. एंड लास्ट 10% 5 लाख के ऊपर, दिस इज 50,000. सही है. और उसमें लास्ट में बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 5 लाख. तो है सम बहुत इजी, बट इतनी सारी चीजें है ना कि मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस है. एक भी चीज मिस हो गया, एनएवी रॉन्ग, एनएवी पर यूनिट रॉन्ग, आगे की सारी चीजें आप लोग की रॉन्ग जाती जाएगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज करते जाओ, टिक करते जाओ, समरी बनाते जाओ, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. समझे क्या? चलो, सो ये मुझे मिल जाता है क्या? ये मुझे मिल जाता है टोटल नैव. ओके, टोटल नैव कितना आ रहा है? 2 लाख प्लस 87,50,000 प्लस 8 लाख, 5 लाख, 4,50,000, 12 लाख, 56,000, 45,000, 50,000 प्लस 5 लाख, 11 लाख, सॉरी 1 करोड़ 15,51,000, 1 करोड़ 15,51,000. सही है. डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 10 लाख.
कैन आई से 10 लाख यूनिट्स है? यस सर, अपने को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू रुपीज 11.551। वाओ, व्हाट ए क्वेश्चन, बट डन एंड डस्टेड। लास्ट में खाली वो लोग ने एक चीज बोला है, ऑल्सो फाइंड आउट द नैव इफ म्यूचुअल फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ 0.8 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर टू यूनिट होल्डर्स। अब होता क्या है, जो आपका नैव है उसी में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो खाली मैं अभी इधर बता देता हूँ, इसको डिटेल में आराम से डिस्कस कर लूंगा कल मैं, बिकॉज अभी आप लोग को थोड़ा लेट हो रहा है। खाली मैं लिखवा देता हूं कि करंट नैव 11.551 का है, इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो लोग ने बोला है 0.8 पर यूनिट। भाई इसी में से दोगे ना, जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास इसमें ये देखो करंट टाइम में कैश मार्केट वैल्यू सब आ गया, तो ये जो है इसी में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ घर से तो लाओगे नहीं, बस तो इसी में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको मिल जाएगा -0.8 10.751 न्यू नैव इज इक्वल टू 10.751 पर यूनिट। ए समझ गए रे, आर यू क्लियर एवरीबॉडी? ओके, इसी के साथ यस रिहा लेते हैं अपन, डन इंडस्ट्रीड विद टुडे सेशन। टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता। कल आप लोग का हॉलीडे है, आई थिंक कल संडे है ना, देख लेता हूं। हाँ कल आप लोग का हॉलीडे रहेगा एंड परसों मिलते हैं। प्लीज रिवाइज करके आना, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, करके आना, ठीक है? चलो हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, और कुछ हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी मिलते हैं। चलो बाय। ओके मुकुल, शेयरिंग द नोट्स नाउ। गूगल ड्राइव लिंक तुम लोग को मिल गया होगा ना, तो गूगल ड्राइव लिंक में नोट शेयर कर दू। गाइज तुम लोग को गूगल ड्राइव लिंक मिल गया होगा ना, प्लीज कंफर्म करो, तो वो गूगल ड्राइव लिंक में शेयर कर दू नोट्स, क्या बोलते हो? चलेगा? चलो डन। देखो तुम लोग के सामने इधर का इधर हिज कर दिया है, ओके? चलो नोट्स अपलोडेड, थैंक यू सो मच। तो जीडी में जो वीडियो है वो प्ले नहीं होता, तो आप टेक्निकल टीम को कॉल कर लो। चलो नोटिफिकेशन आ गया मेरे को, नोट्स अपलोडेड, हास्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच।